खुश हूँ कि UBM ग्रुप हैं जो मेरे साथ इस वक्त हैं, जिमे अंजोजी जो ग्लोबली एंड इंडिया वाइड हेड करते हैं। इन्होंने जो NGO इंडिया का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ये बहुत अद्भुत और बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप रूबरू हो पाते हैं। करीबन आज 125 से ज़्यादा NGOs यहाँ पे प्रस्तुत हैं, और इन्हें एक मंच मिलता है जहाँ पे ऐसे कॉरपोरेट हेड्स भी हैं, CSR हेड्स भी हैं। अभी अभी जैसे प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे थे कि 16,000 कंपनियों पर लागू हो गया है नए कंपनीज एक्ट के मुताबिक कि 2% वो अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नेशन बिल्डिंग के कामों में लगाएं। भारत को एक भारत का जो नवनिर्माण प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक जो सपना है उसमें लगाना ज़रूरी है। तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए इस अभियान के थ्रू गरीबों तक पहुंचना चाहिए, नेशन बिल्डिंग के काम में पहुंचना चाहिए। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म UBM ने क्रिएट किया है, जो NGO इंडिया प्लेटफॉर्म है, विच आई एम होपिंग विल बी समथिंग एवरी ईयर हर साल, 3 साल लगातार हो चुका है, बात चल रही है कि हर साल इसे और बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर किया जाए। इसमें फ़ायदा ये होगा कि लिंक्स बहुत मिलेंगे, जुड़ने के लिए बहुत मिलेगा। आज बहुत सारे NGOs हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो अभी कुछ वैसे ही अपनी उनकी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको काम करना है। कुछ हैं जिनको क्योंकि डंडा पड़ा है, 2% आपको करना ही ज़रूरी है, और नहीं तो आप पीनलाइज हो जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, तो उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनको भी अच्छे पार्टनर्स की ज़रूरत है जो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि बिजनेस कंपनी जो करती है उसका काम है बिजनेस करना, अब वो CSR के लिए पैसा प्रोवाइड करती है, बट CSR करने के लिए, लोगों तक सामाजिक कार्य पहुंचाने के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग का काम है, ग्राउंड पे उतरने का काम, ये NGO कर सकती है। तो मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट।